अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप को लेकर कुछ न कुछ अपडेट लगातार सामने आ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में बच्ची को लखनऊ रेफर किया गया था, जिसके बाद बच्ची को लेकर लखनऊ ले जाया जाता है जहां पर उसका एबॉर्शन किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर लगातार ये जिक्र किया जा रहा था, ये डिमांड की जा रही थी कि जो दोनों आरोपी हैं उन्हें लेकर डीएनए टेस्ट की सैंपलिंग होनी चाहिए, क्योंकि लड़की ने जो संगीन आरोप लगाए हैं वो गैंगरेप का है। वहीं दूसरी ओर मोहित खान और राजू खान को लेकर उनके जो परिवार हैं उन्होंने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं, जिसके बाद लगातार ये विवाद बढ़ते ही जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। आखिर मोहित खान और राजू खान को लेकर क्या अपडेट सामने आया है और आखिर इन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो कितना सही है और कितना गलत, इस वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद उसके वस्त्र हटा करके निर्वस्त्र उसे खेत में फेंक दिया गया था। जैसे तैसे बच्ची की माँ वहाँ पहुँचती है, जिसे देखकर वो भी डर जाती है कि आखिर बच्ची के साथ क्या होता है, और मामले का खुलासा होता है। वो पहुँचती है पुलिस स्टेशन, पुलिस हालांकि इस केस को लेकर FIR दर्ज नहीं करती, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद जब 30 घंटे की देरी के बाद ही सही वो FIR दर्ज करती है और मामले का खुलासा होता है और पुलिस की टीम जो तहकीकात में जुट जाती है। एक और आपको बता दें कि बच्ची को लखनऊ रेफर किया गया था, जहां पे उसे एबॉर्शन के लिए बोला गया था और उस बच्ची ने एबॉर्ट करा दिया है, यानी वो बच्ची अभी फिलहाल तो स्वस्थ बताई जा रही है। और दूसरी ओर मोहित खान और राजू खान पर जो गैंगरेप के आरोप लगे हैं उसे लेकर परिवार वालों ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने बकायदा बोला है मीडिया के सामने आके कि जो भी आरोप लगे हैं उसकी जाँच पड़ताल की जानी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मोहित खान गए थे पुलिस स्टेशन, उन्होंने जो भी पुलिस ने उन्हें बुलाया था बयान दर्ज करवाने के लिए, लेकिन तभी उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट करती है पुलिस। अभी ये बताया जा रहा है कि लड़की जो थी, लड़की का उस लड़के के साथ, जो राजू नाम का लड़का है, उसके साथ लड़की का अफेयर था। राजू जो उनके साथ रहते थे, जो बेकरी में लड़का था, उसकी उम्र होगी 20 साल, लड़की का अफेयर था उसके साथ, ठीक है सर। इसलिए लड़की अगर प्रेग्नेंट हुई, सर मैंने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं, 16 साल की उम्र में मैं माँ बनी। अगर लड़की 2 महीने 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है तो कैसे उसकी माँ को नहीं पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है। तो आप जैसे जो बता रही हैं, जो आप पक्ष दे रही हैं, तो राजू जो है उनको भी अरेस्ट किया गया है, तो राजू ने क्या पुलिस को ये बात बताई है? जी, राजू ने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर पूरे थाने में बयान दिया है कि चचा की कोई गलती नहीं है, चचा जो बेकसूर है, सिर्फ उनकी इतनी गलती है कि मैं उनकी बेकरी में काम करता हूँ, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा है, उसकी बात कोई, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरी ओर परिवार का ये भी कहना है कि मोहित खान इस जो भी गैंगरेप का आरोप लगा है उसमें वो नामजद जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं होगा, ये परिवार का कहना है। पीड़ित परिवार ने ये तक कहा था कि मोहित खान ने वीडियोग्राफी के लिए राजू को बोला था, क्योंकि उस बेकरी में नशीली पदार्थ मिलाकर उस लड़की के साथ हैवानियत की गई थी, जिसका वीडियो भी उन्होंने कैमरे में मोबाइल में रखा था, और उस वीडियो के बदौलत ही लगातार वो 2.5 महीने तक बच्ची के साथ रेप करते रहे, जिसका वीडियो अपने पास वो बनाकर रखे थे। इसी दरमियान जो मोहित खान है उनके परिवार वालों ने राजू को लेकर कुछ कहा है, उसे आपको हम बताते हैं। दरअसल मोहित खान के जो परिवार वाले हैं उन्होंने कहा है कि ये सब जो मामला है, यानी राजू खान और जो पीड़िता है, उनमें पहले से एक दूसरे को वो लोग जानते थे। हालांकि ये आरोप है, अभी पुलिस इस केस को लेकर तफ्तीश कर ही रही है, जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है, उसके जवाब में मोहित खान के परिवार भी सामने आए हैं और उन्होंने बोला है कि जो राजू खान है और उस 12 साल की बच्ची का रिलेशन था, यानी उनका अफेयर चल रहा था, तो हो सकता है ऐसे में कि राजू खान ने ही लड़की के साथ गलत किया हो, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है। उनका आरोप ये है कि आरोपी जो है वो हो सकता है कि राजू खान हो, राजू खान को पहले से जानती थी पीड़िता और दोनों के बीच में कुछ पक रहा था, जिसकी वजह से लड़की भी प्रेग्नेंट हो गई और दोनों बखूबी एक दूसरे को जानते थे। वहीं दूसरी ओर बता दें कि जो FIR कॉपी है और जो पीड़िता की माँ है उन्होंने जो आपबीती सुनाई उसमें उन्होंने यही कहा कि राजू खान और मोहित खान अपने बेकरी पर ले जाकर लड़की के साथ दरिंदगी करते थे, नशीली पदार्थ खिला देते थे, जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में उसके साथ हैवानियत करते थे। इसी दरमियान एक रात लड़की अपने घर नहीं पहुंचती, जिसके बाद माँ ढूंढने के लिए निकलती है तो उसे अपनी बच्ची खेत में मिलती है।
माँ की माने तो माने यही बताया है कि बेटी ने जो उससे अपीति सुनाई उसके मुताबिक बेटी के साथ राजू खान बोलता है कि चलो बेकरी पे तुम्हें बिस्किट खिलाता हो, जिसके बाद वो बच्ची वहाँ चली जाती है और वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं मोहित खान, और मोहित खान पहले उस लड़की से रेप करते हैं जिसका वीडियो राजू खान मोबाइल में बना लेता है, और इसके बाद मोहित खान वीडियो बनाता है, राजू खान उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है। ये लड़की का पक्ष था, लेकिन दूसरी ओर मोहित खान और राजू खान जो है इनके परिवार वालों का बयान सामने आया है, जिसमें मोहित खान के परिवार ने खासकर ये बताया है कि लड़की और राजू एक दूसरे को पहले से जानते थे, यानी हो ना हो अभी फिलहाल तो पुलिस जांच ही कर रही है, लेकिन ये आरोप के भी जो इन्होंने संगीन आरोप ये भी लगा रहे हैं कि पहले से लड़की जानती थी, तो ऐसे में राजू को सिर्फ ये लोग टारगेट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि राजू कहाँ सही है, मोहित खान कहाँ सही है, या वो आरोप लगा रहे बच्ची कितनी सही है। हालांकि इस सब के मद्देनज़र पुलिस इन दोनों को डिटेन कर चुकी है, अरेस्ट है दोनों, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और जांच पड़ताल लगातार जारी है। दूसरी ओर प्रशासन ने भी कार्रवाई की है, जिसमें मोहित खान के कई प्रॉपर्टीज़ जो है उन्होंने बुलडोज़र के साथ ढहा दिया है, और फिलहाल इस केस को लेकर जाँच चल ही रही है। अब देखने वाली बात ये है कि मोहित खान के परिवार वालों ने राजू खान और लड़की को तो कटघरे में ला खड़ा कर दिया, लेकिन सोचने वाली बात है कि 12 साल की बच्ची का अफेयर जैसी बात अगर वो कर रहे हैं तो कितना सही है कितना गलत है, ये तो पुलिस आने वाले टाइम में ही जांच पड़ताल करके बताएगी। लेकिन जो आरोप अभी लगे हैं ये यही बता रहे हैं कि लड़की और राजू पहले से दोनों जानते थे, जिनका अफेयर था, जिसकी वजह से राजू हो सकता है कि लड़की के साथ रहता था और उसके साथ उसी का बच्चा हो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद वो फंस जाती है और मामले का खुलासा होता है तो माँ से कहती है। अब ये आरोप कितने सही हैं कितना गलत है ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल डीएनए सैंपलिंग की डिमांड की जा रही थी, और हो सकता है कि आगे डीएनए रिपोर्ट्स भी सामने आ जाए जिसमें पता चल सके कि आखिर वो बच्चा किसका था, और दूसरी ओर लड़की के साथ जो अपराध को अंजाम दिया था वो कौन था, क्योंकि सारे अभी मेडिकल रिपोर्ट्स आने बाकी है। लड़की के मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए वो जा चुकी थी लखनऊ, जिसके बाद सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आने वाले समय में ये साबित कर पाना पुलिस के लिए कितना मशक्कत की बात होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस लगातार इस केस को लेकर जांच कर रही है, जिसमें ये कोशिश कर रही है कि पता लगा सके कि जो कड़ियाँ बताई गई है वो कितना सही है। दूसरी ओर मोहित खान के परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सही है, क्योंकि अगर आरोप लगे हैं तो आप अपने को बेगुनाह तो साबित करेंगे ही, तो ऐसे में जिसको जो मिल रहा है वो बयान जारी कर रहा है। फिलहाल पुलिस इस केस को लेकर इनके बयान को भी लेकर जांच करेगी, जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।